बजट पास मगर एलडीए शहर में एक भी नई स्कीम मंजूर कराने में नाकाम। नई तरक्याती स्कीमों के लिए कमेटी तश्कील। वजीर आला की जेर सदारत इजलास। एलडीए का मजमुई तौर पर 38 अरब 39 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। वासा 12 अरब 75 करोड़ रुपए के अखराजात करेगा। टीपा को 1 अरब 64 करोड़ रुपए का बजट मिलेगा। साबिक दौरे हुकूमत के 400 करोड़ रुपए के मंसूबों की भी मंजूरी दे दी गई। एलडीए का बजट कहां कहां खर्च होगा, अंदरूनी कहानी लाहौर न्यूज सामने ले आया। ऑरेंज लाइन ट्रेन की तामीराती मंसूबे के लिए 7 अरब 78 करोड़ रुपए मुख्तस। शोकर खानम फ्लाईओवर की तामीर पर 21 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च होंगे। शहर की दिगर अहम इमारतों की तामीर और मुरम्मत के लिए 57 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए ग्राउंड्स के इस्तेमाल का मामला। मंसूबे के लिए 2 नहीं बल्कि 3 ग्राउंड्स के इस्तेमाल का इंकशाफ। एलडीए ने एमयू कॉलेज की ग्राउंड भी ऑरेंज ट्रेन के लिए मुफ्त इस्तेमाल की। एमयू कॉलेज इंतजामिया के मुरासले ने भांडा फोड़ दिया। कॉलेज इंतजामिया की ग्राउंड की बहाली के लिए एलडीए को दरखास्त। ड्रीम हाउसिंग स्कीम रायवन रोड में लाकानूनियत का मामला। नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। एलडीए महकमे माल और एफबीआर से रिकॉर्ड तलब। स्कीम को जाने वाले रास्ते की अराजी विफाक की है। स्कीम स्पॉन्सर के पास सिर्फ 41 कैनाल अराजी, 650 से जायद प्लॉट फरोख्त किए गए। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। राणा सनाउल्ला, राणा मुबशर इकबाल, मुस्लिम लीग नून के मजीद 2 रहनुमा तहकीकात की जद में। साबिक वजीर कानून पर फैसलाबाद में अंडरपास का नक्शा तब्दील कराने का इल्जाम। राणा सनाउल्ला ने मनपसंद अफराद को करोड़ों का फायदा पहुंचाया। लीगी एमएनए राणा मुबशर इकबाल ने जमीन पर कब्जा कर रखा है। मुतासरा बेवा खातून की दरखास्त। नैब ने दोनों रहनुमाओं के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। कंपनियां तश्कील देकर और पुरकशिश तनख्वाहों पर अफसरान की तैनाती को सियासी रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ब्यूरोक्रेसी पर सियासी अशराफिया के असरात। गुड गवर्नेंस के लिए मौत की घंटी है। अफसरान की तैनाती से सिविल सर्विस के ढांचे को नुकसान पहुंचा। सियासी तौर पर नवाज कर अफसरान की वफादारियां हासिल की गई। पब्लिक सेक्टर कंपनी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का अबूरी हुक्मनामा जारी। प्राइवेट अफराद ने सरकारी बाबुओं को भी मात दे दी। 98 अफराद ने 85 करोड़ से ज्यादा तनख्वाह वसूल करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। सरकारी अफसरान को इजाफी तनख्वाह वापस करना पड़ी। प्राइवेट अफराद ताहाल शिकंजे से आजाद। गुजरात पुलिस फंड में 70 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन। साबिक सीटीओ राय एजाज एहतसाब अदालत में पेश। जिस्मानी रिमांड में 1 रोज की तौसी, कल दोबारा पेश करने का हुक्म। 777 अफराद की गैर कानूनी भर्तियों का केस। आसिफ हाशमी के जुडिशल रिमांड में 7 रोज की तौसी। डीजी नैब ने गुजरात पुलिस करप्शन केस की इंक्वायरी तहकीकात के मराहिल में दाखिल करने की मंजूरी दे दी। ₹5,000 फीस लेने वाले स्कूल 20% रकम 31 दिसंबर तक वापस करें, महकमा तालीम का हुक्म। फीसें वापस न करने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मौतल करने की वार्निंग। असातिज़ा को कम तनख्वाहें देने वाले स्कूल की रजिस्ट्रेशन भी मौतल होगी। गर्मियों की छुट्टियों की फीसों में से 50% आइंदा फीसों में एडजस्ट होगी। फीसें रिफंड करने पर प्राइवेट स्कूल 5% इजाफा कर सकते हैं। डॉक्टर मुराद रास की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर एफआईए और एफबीआर का बड़ा एक्शन। जायद फीसें वसूल करने वाले 21 बड़े निजी स्कूल्स का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। स्कूल्स के अकाउंट्स भी मुंजमद। कार्रवाइयां लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में की गई। स्कूल्स के अकाउंट्स का फ्रेंसिक ऑडिट करवाया जाएगा। एफआईए बच्चों के सालाना 30 लाख फीसें देने वालों के खिलाफ एफबीआर का घेरा तंग। गैर रजिस्टर्ड अफराद की बैंकों से तफसीलात इकट्ठी करना शुरू। मरहलावार टैक्स नेट में लाया जाएगा। स्कूलों के बाद बड़े बड़े डॉक्टरों की भी भारी। डॉक्टरों को असासे जाहिर करने के लिए 15 रोज की मोहलत।
FBR ने लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों के डॉक्टर्स का ऑडिट शुरू कर दिया। 184 डॉक्टर्स को ऑडिट के नोटिसेस जारी। तमाम डॉक्टर्स से 4 साल के असासों की तफसीलात मांग ली। खुशबू के बाद उनके शोहर भी FBR की नजर में। FBR ने फिल्म स्टार अरबाज खान के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी। फिल्म स्टार अरबाज खान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई का फैसला। PP 168 में दोबारा वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल हो गया। रिटर्निंग ऑफिसर रहमजादा ने दोबारा वोटों की गिनती का नतीजा जारी कर दिया। PTI के मालिक असद खोकर के मजीद 114 वोट बढ़ गए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार असद खोकर ने 17,571 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। मुस्लिम नून के उम्मीदवार राना खालिद कादरी 16,870 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। एयरपोर्ट पर मुझे कहा गया ऊपर से हुक्म आया है आप बाहर नहीं जा सकते, मुझे रोककर न्याजी साहब का बुग़्ज़ ठंडा होता है तो करें। मुझसे ऐसा सलूक किया गया जैसे दहशतगर्द या कोई तकरीबकार हूं। न्याजी साहब एहतसाब के नाम पर इंतकाम ले रहे हैं। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के कप्तान पर वाह, कहा 56 कंपनियों का बड़ा शोर था अब कहीं जिक्र नहीं। 100 दिन का रोना रो लिया अब आवाम की खदमत करें वरना मुआफ़ी मांग कर घर चले जाएं। ख्वाजा सलमान रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर फौरी जारी करने का मुतालबा। हमजा शहबाज को भी इल्म है कि वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे, इदारे जिसको भी तलब करें पेश होना पड़ेगा। फयाजुल हसन चौहान के जवाबी बात, कहा पंजाब असेंबली के अरकान के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर का कोई कानून नहीं, खादम आला ने यह कानून पास ही नहीं होने दिया। ख्वाजा बरादरान चीख रहे हैं कि हमें खाने को कुछ नहीं मिल रहा, वो लूटमार करने के इल्जाम में गिरफ्तार हुए हैं, कोई पिकनिक मनाने नहीं गए। डिप्टी स्पीकर की जेर सदारत पंजाब असेंबली का अजलास। ख्वाजा सलमान रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर का मामले पर कमेटी कायम, वजीर कानून बशारत राजा सरबराही करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी नुमाइंदगी मिल गई। पंजाब असेंबली में भी मलिक असद खोखर की जीत का जश्न। मियां महमूदुर रशीद और दीगर अराकीन ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कल का इलेक्शन रेफरेंडम था। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूदुर रशीद, सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कम मार्जिन से इलेक्शन जीते मगर हम खुश हैं। इंतखाब में कोई हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल नहीं की गई। सलमान रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की तजवीज की भी हमायत की। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल फराहम न करने का फैसला। 17 दिसंबर को तहरीरी हुक्म जारी करेंगे जस्टिस अली अकबर कुरैशी के रिमार्क्स। हेलमेट के कानून पर पाबंदी न करने पर बरहमी का इजहार। मोटरसाइकिल कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की हिफाजती इकदाम करने की यकीन दहानी। पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान कंट्रीब्यूशन पोर्टल की तकरीब रोनुमाई। सूबाई वजीर मेहनत अंसर मजीद का कहना है कि चार्ड लेबर का खात्मा करेंगे, 5 साल में वो काम करेंगे जो 30 साल में भी नहीं हो सका। कौमी हॉकी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर हेड कोच दिल बर्दाश्ता। हॉकी टीम के हेड कोच तौकीर डार ने इस्तीफा दे दिया। बोले वर्ल्ड कप पर जाने से पहले हम भीख मांगते रहे, हुकूमत को ख्याल ना आया, अगर हॉकी पर तवज्जो नहीं देना तो इस खेल को बंद कर दिया जाए। टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है तो तब्दीलियां करना होंगी। सब्जाजार में 2 अफराद के कत्ल का मुआमा हल, मुलजिम पकड़े गए। टाउनशिप में दोस्त को कत्ल करने वाले मुलजिम भी धर लिए गए। डकैत गैंग और इश्तहारी मुलजमान की भी गिरफ्तारी। SP सदर इन्वेस्टिगेशन राशिद हदायत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान फर्नीचर काउंसिल के जेर एहतमाम 3 रोजा इंटीरियर पाकिस्तान एक्सपो का इफ्तिताह। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की खसूसी शिरकत। मुख्तलिफ स्टॉल्स का मायना, 25 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की फर्नीचर कंपनियों के स्टॉल्स में शहरियों की भी गहरी दिलचस्पी। ए
एनसीए में सजा डिग्री इशू, तलबा की जानिब से मुसव्वरी के शाहकार नमूनों की नुमाइश की गई। गवर्नर पंजाब ने पेंटिंग्स देखी, तलबा की मेहनत को खूब सराहा, कहा हुकूमत आर्ट को प्रमोट करेगी। एनसीए की तरफ से जो भी प्रपोजल आएगा उस पर अमल करवाएंगे, तस्वीर में हकीकत के रंग भरने वालों को रोजगार दिलाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन के जरिए तमाम सेमिनार। पाकिस्तान में अकलियतों को दिए गए हकूक दुनिया के किसी भी मुल्क में हासिल अकलियती हकूक से ज्यादा हैं, मुकर्ररीन का खिताब। क्रिकेटर कामरान अकमल और उमर अकमल की वालिदा के नमाज जनाजा फिरदोस मार्केट में अदा, क्रिकेटर्स अजीजो अकारत समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, जमाने की तलखियों और बेअतनाइयों को बेनकाब करते, बाकी शायर जॉन एलिया की 87वीं सालगिरह। टोया नासिक ब्रांड पुराना, अंदाज नया। ग्रैंड पाम होटल में तारी ग्लास इंडस्ट्रीज की अपने मुनफरद ब्रांड की रिलॉन्चिंग, मुल्क भर से डिस्ट्रीब्यूटर्स की बड़ी तादाद में शिरकत। एमडी तारी ग्लास उमर बेग कहते हैं अपने क्लाइंट्स को उम्दा मयार की फ्राहमी ही हमारी पहचान। बंदरों की नटखट अदाएं सबको भाई, चिड़ियाघर में बंदरों के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब। ट्रस्ट स्कूल के बच्चों ने केक काटकर बंदरों की सालगिरह मनाई, टेबलोस पेश करके खूब रौनकें लगाई। मसीही बरादरी की खुशियां, क्रिसमस का त्यौहार। सेंट ईस्टर मेमोरियल चर्च मॉडल टाउन में क्रिसमस की तकरीब, मसीही बरादरी की जानिब से मजहबी गीत गाए गए। कौमी कमीशन ब्राय बैनुल मज़ाहिब की जानिब से केक काटा गया। और स्कैंडल क्वीन को लॉलीवुड की फिक्र सताने लगी, फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। मीरा कहती हैं फिल्मी मरकज लाहौर को एक बार फिर आबाद देखना चाहती हूं। नई फिल्म की शूटिंग नए साल के आगाज पर होगी, डायरेक्शन खुद करूंगी।